रायपुर संजीव गुलेरिया प्रदेशाध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने आज यहां प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भाजपा सरकारों ने पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं का आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा सरकारी संस्थानों में नियुक्त करके युवाओं का शोषण किया जा रहा है। यह आउटसोर्सिंग कंपनियां सत्तारूढ़ विपक्ष के नेताओं या करीबियों द्वारा संचालित हैं। यह कंपनियां कार्यरत कर्मचारियों को और सरकार को भी लूट रही हैं। जनता द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए पैसे का सरकार दुरुपयोग कर रही है। डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा कि 40,000 आउटसोर्सिंग पर कार्यरत युवाओं को सरकार सरकारी सेवा में नियमित करे, जिससे इन युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि हम लोगों द्वारा वोट देकर चुने गए विधायक, सांसद, विपक्ष भी इस तथाकथित शोषण और भ्रष्टाचार के प्रति विधानसभा संसद में विरोध प्रदर्शन नहीं करते। युवाओं को, जनता को, हम लोगों द्वारा वोट देकर विधानसभा संसद में चुनकर भेजे गए विधायकों, सांसदों को आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव में हराकर इन्हें सबक सिखाना होगा, अन्यथा इन नेताओं द्वारा किया जा रहा अन्याय शोषण बंद नहीं होगा। डॉक्टर संजीव गुलेरिया, प्रदेश अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। देखिए, 40,000 हमारे पढ़े लिखे युवा जो है वो आउटसोर्सिंग में प्रदेश सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवारत हैं, और बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि ये आउटसोर्सिंग कंपनी जो है, आउटसोर्सिंग में कार्य कर्मचारी जितने भी हमारे लड़के लड़कियां, इनको सरकारी सेवा में नियमित किया जाए, क्योंकि इनका आउटसोर्सिंग तो इनका भविष्य कुछ ही नहीं है, और सरकारी सेवा में ये नियमित होंगे तो इनका भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। मेरी सरकार से प्रार्थना रहेगी कि इनको सरकारी सेवा में लिया जाए। धन्यवाद। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट।